हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेन सिंह, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना और पास्ट टेंस। आज हम आपके लिए पास्ट टेंस के सेंटेंसों की पैसिव वॉइस कैसे बनती है उस बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में जब सेंटेंस अफर्मेटिव का होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, और जब निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो ऐसे सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब डिड हमको लगी मिलेगी। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म और दूसरा डिड। अगर ये चीज़ें हैं तो सेंटेंस दिया हुआ आपका जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। और ऐसे सेंटेंसों की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज करना होगा। क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है तो पैसिव बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की लगानी होगी, और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। तो यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं बोर्ड पे, तो आइए सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि हम सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट यूज करेंगे। न्यू सब्जेक्ट का मतलब कि एक्टिव का जो आपका ऑब्जेक्ट था उसी को हम क्या बना लेंगे, न्यू सब्जेक्ट। और न्यू सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज या वर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और थर्ड फॉर्म के बाद हम न्यू ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे अमूमन के सेंटेंसों में। नॉर्मली सेंटेंसों में हम न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। यहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है गेव, और इसलिए हमें पता है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस की जब पैसिव बनाएंगे तो दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना होगा। सबसे पहले हमें देखना है न्यू सब्जेक्ट। तो न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, जो एक्टिव का हमारा ऑब्जेक्ट है वही हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। तो न्यू सब्जेक्ट, एक तो तरीका यह है कि अ बुक, अ बुक वाज, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, वाज या वर से। तो हमें जो नया सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो यूज करेंगे। अ बुक हमारा सिंगुलर नाउन में आता है, इसलिए अ बुक के हिसाब से हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज। अ बुक वाज गिवन टू मी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिवन टू मी बाय। अब हम जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा था ही, और वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय हिम पर। तो एक तो तरीका इस सेंटेंस को लिखने का ये है। एक और तरीका है, अमूमन ऑब्जेक्ट हम किसको मानते हैं, जो वर्ड सब्जेक्ट के बाद आता है। तो यहां हमारा गेव सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद आया है मी, तो अमूमन हमको मी को सब्जेक्ट बनाना है। तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, मी को। तो जो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो चूंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो जब वो सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या बन जाएगा, आई, आई। अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आई वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वाज गिवेन अ बुक, आई वाज गिवेन अ बुक बाई हिम, बाई हिम। तो चाहे आप ऐसे सेंटेंस की पैसिव बना सकते हैं, अ बुक वाज गिवेन टू मी बाई हिम,
चाहे आप ऐसे बना सकते हैं कि आई वॉज गिवन अ बुक बाई हिम। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, सी लाफ्ड एट मी। तो इसमें सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, मी को, और चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में मी यूज हुआ है, जब ये सब्जेक्ट बन के आएगा तो ये आई हो जाएगा, सबसे पहले आई। अब न्यू सब्जेक्ट हमारा बना आई, आई के बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी वाज या वर है, तो आई के साथ हम यूज करेंगे वाज, आई वाज अब लाफ्ड एट। आई वाज चूंकि थर्ड फॉर्म यूज करनी है और लाफ्ड सेकेंड भी है और थर्ड भी लाफ्ड ही है, आई वाज लाफ्ड, आई वाज लाफ्ड एट बाय। अब जब सी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में सी हो जाता है हर, तो आई वाज लाफ्ड एट बाय हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द बॉय इलेक्टेड मोहन कैप्टन, बच्चों ने मोहन को कैप्टन नियुक्त किया, इलेक्ट किया, तो इलेक्टेड मोहन, हमारा वर्ब के बाद मोहन आया है तो सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट मोहन, मोहन। अब हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वाज या वर, तो मोहन चूंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए मोहन के साथ हमको यूज करना होगा वाज, मोहन वाज अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इलेक्टेड की थर्ड फॉर्म इलेक्टेड ही, सॉरी इलेक्ट की सेकंड फॉर्म भी इलेक्टेड और थर्ड फॉर्म भी इलेक्टेड, मोहन वाज इलेक्टेड क्या कैप्टन, मोहन वाज इलेक्टेड कैप्टन, और जो हमारा सब्जेक्ट है द बॉयज, यही हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय द बॉयज। तो मोहन वाज इलेक्टेड कैप्टन बाय द बॉयज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, कि आई न्यू हिम सिंस हिज बर्थ, तो हमारा वर्ब हमारी क्या है न्यू, मतलब नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, तो मेन वर्ब हमारी क्या है न्यू, और न्यू के बाद हिम जो आया है वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो जो इसकी पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बना लेंगे सब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वही पैसिव में हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा, तो हिम जब हम सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो क्या होगा वो ही, ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वाज या वर में से, तो ही के साथ हम यूज करेंगे वाज, ही वाज अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वाज नो न्यू नोन, ही वाज नोन, नो की सेकेंड फॉर्म होती है न्यू और थर्ड फॉर्म होती है नोन, तो ही वाज नोन, और ऑब्जेक्टिव केस में किसको यूज करना है आई को, जो हमारा सब्जेक्ट आई था वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन नोन के बाद हम बाई यूज नहीं कर सकते, तो हम इसमें यूज करेंगे नोन टू मी, नोन टू ही वाज नोन टू, अब आई को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा मी, ही वाज known to me since his birth, since his birth, since his birth, तो ये हुई पैसिव वॉइस, he was known to me since his birth। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मंजू मैरिड प्रवीण, तो यहां पे प्रवीण हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, प्रवीण
प्रवीण। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? वाज। प्रवीण वाज। और मैरिड के बाद हमेशा टू यूज होता है, मैरिड टू। मैरिड टू, मैरिड के बाद बाई यूज नहीं कर सकते, तो मैरिड के बाद क्या यूज किया गया? टू। प्रवीण वाज मैरिड टू मंजू। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए जिनको एक्टिव से कन्वर्ट किया गया है, किसमें? पैसिव में। तो ये कुछ और एग्जाम्पल हैं जिनकी हमें पैसिव आइज बनानी है। तो सबसे पहले देखते हैं हिज एक्ट सरप्राइज्ड मी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या बन के आएगा? आई। सबसे पहले आई, और आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज या वर है। तो आई वाज अब आता है सरप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सरप्राइज की सेकंड फॉर्म भी सरप्राइज्ड होती है, और सरप्राइज्ड की थर्ड फॉर्म भी सरप्राइज्ड ही होती है। तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। अब हिज एक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन सरप्राइज्ड के बाद हम बाई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सरप्राइज के बाद एट यूज होता है। तो आई वाज सरप्राइज्ड एट। जिस तरह मैरिड के बाद टू यूज होता है हमेशा, उसी तरह सरप्राइज के बाद एट यूज होता है। तो आई वाज सरप्राइज्ड एट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? हिज एक्ट। I was surprised at his act. उसके act से मैं surprised था, अचंभित था, दंग था। Next sentence में देखते हैं, लता bought a new साड़ी। लता ने एक नई साड़ी खरीदी। तो यहां हमारा लता subject है, और new साड़ी जो है, a new साड़ी जो है वो हमारा object है। तो अब जब इसकी पैसिव बनाएंगे, और यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है जो ये दर्शाती है कि दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इसकी पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है अ न्यू साड़ी, इसको क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो हमारा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वही हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ न्यू साड़ी, आ न्यू साड़ी, अ न्यू साड़ी। अब हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो अ न्यू साड़ी, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करेंगे। अ न्यू साड़ी वाज। अब वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड, क्योंकि पैसिव वाइज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। वाज बॉट अ न्यू साड़ी वाज बॉट। किसके द्वारा? लता के द्वारा, बाई। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? जो एक्टिव का सब्जेक्ट था वही पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाई लता। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एन आंट ब्रॉट हिम अप। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ब्राट के बाद हिम आया है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिम। तो हिम को ही हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या बन के आएगा? ये ही। और ही के साथ हम वाज वर्ब में से, अब ही के बाद हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी है वाज या वर। तो ही के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? वाज। He was brought up, brought के बाद up आता, he was brought up
ही वॉज ब्रॉट अप, वो पाला पोसा गया, ही वॉज ब्रॉट अप बाय, किसके द्वारा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, एन आंट, और यही एन आंट हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव में, बाय एन आंट। अब नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस हैं पास्ट इंडेफिनिट के, तो ये सारे के सारे सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुए हैं, तो हमको इनकी पैसिव बनाते समय पैसिव वाइज का सेंटेंस भी क्वेश्चन वर्ड से ही हमें शुरू करना है। तो सबसे पहले व्हाई डिड यू टियर द लेटर, तुमने ये पत्र क्यों फाड़ दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, व्हाई। अब व्हाई के बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी इसमें, वाज या वर। तो व्हाई वाज द लेटर, व्हाई वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो सब्जेक्ट बन के आएगा, तो व्हाई वाज द लेटर, व्हाई वाज द लेटर, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी हमें, तो टियर टोर टॉर्न टॉर्न, व्हाई वाज द लेटर टॉर्न बाय यू, बाय यू, आपके द्वारा ये पत्र क्यों फाड़ा गया था। अब नेक्स्ट सेंटेंस ये भी इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, हु रोट गोदान, गोदान किसने लिखी। तो पैसिव बनाते समय जो हु वाले सेंटेंस होते हैं उनको हु को बाई हुम में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो पहले चूंकि क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू है एक्टिव का, तो पैसिव हमें बनाते समय हम सेंटेंस की शुरुआत भी क्वेश्चन वर्ड से ही करेंगे, और हु को जब पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना होता है तो हु का हो जाता है बाई हुम, बाई हुम, बाई हुम। अब बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बाई हुम वाज गोदान, बाई हुम वाज गोदान, और ये रोट है राइट की सेकेंड फॉर्म, और हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म, तो बाई हुम वाज गोदान राइट रोट रिटर्न, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी राइट की, रिटर्न, बाई हुम वाज गोदान रिटर्न, गोदान किसके द्वारा लिखी गई थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हु किल्ड द डॉग, कुत्ते को किसने मार डाला था। तो जैसे इस सेंटेंस में हु कन्वर्ट हुआ है किसमें, बाई हुम में, तो इस सेंटेंस में भी हु को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसकी पैसिव यहां बनाए दे रहे हैं, हु किल्ड द डॉग, तो हु को कन्वर्ट करेंगे पहले बाई हुम में, और बाई हुम के बाद अब हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, हमारे न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहां क्या है द डॉग, बाई हुम वाज द डॉग, बाई हुम वाज द डॉग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, बाई हुम वाज द डॉग किल्ड क्वेश्चन मार्क। तो ये रहे कुछ सेंटेंसों की पैसिव वाइज, और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।